नमस्कार सभी को। यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 8 है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, तो हमारे पास दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। यदि वह यह चाल 5 किलोमीटर पर चाल इसकी अगर बढ़ा दें, चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर बढ़ा दें, तो यह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती है। एक घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से चलती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो वह उसी दूरी को एक घंटा कम समय में तय कर लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बढ़ाने पर चाल हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि 5 किलोमीटर वो कहता है कि प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ा दी जाए, तो ये हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर। दूरी हमें दी हुई है 360 किलोमीटर, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है इसमें कि समय का डिफरेंस और हमें चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न अनुसार रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो हमारे पास समय का फार्मूला है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास है 360 और समय हमारे पास है x, तो ये हो जाएगा 360 बटा x। रेलगाड़ी द्वारा चाल बढ़ाने पर तीन सौ साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, जो हो जाएगा 360 और चाल बढ़ाने पर चाल बनी हमारी x जमा 5। तो हमारे पास सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 360 बटा x, और चाल बढ़ाने पर 360 बटा x जमा 5। हमारे पास सामान्य चाल से गाड़ी चलने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय भी है, और जब चाल बढ़ा दी तो वो समय, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास एक घंटे का दिया हुआ है कि अगर गाड़ी सामान्य चाल से चलेगी तो उसे एक घंटा अधिक लगेगा, और अगर उसकी चाल बढ़ा दे तो उसे एक घंटा कम लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आइए करते हैं। तो हमारे पास सामान्य चाल से समय है
360 बटा एक्स और माइनस 360 बढ़ाने पर एक्स नंबर 5 बराबर 1, क्योंकि समय का डिफरेंस 1 घंटा दिया हुआ है। तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं, दोनों की चाल का डिफरेंस या जो सामान्य चाल से गाड़ी चल रही है तो वो समय हमारे पास है, उसमें समय ज्यादा लगता है तो उसमें से एक घटा कर देते हैं, और दूसरा है चाल बढ़ाने का एक्स नंबर 5 है, तो ये दोनों का बराबर करनी है हमने दोनों तरफ, तो ये या तो ये बराबर होगी या इसमें से एक घटा देते हैं, या इसमें से ये 360 में से एक्स घटा देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं और चाल बढ़ाने पर 3 घंटे लगते हैं, इनको बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, या तो 4 में से 1 घटा देते हैं तो ये 3 बराबर 3 हो जाते हैं, या हम 4 बराबर 3 में 1 जोड़ देते हैं तो ये 4 बराबर 4 हो जाते हैं। हमें इस प्रकार समय को एडजस्ट करना है तो करते हैं। अब हम यहाँ क्या, जो 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स हमारे 5 बराबर 1 है, तो जिसके बटे नहीं है उसके बटे 1, तो हमारे पास नीचे जो बटे में होता है तो हम जो नीचे संख्याएं होती हैं उनको आपस में गुणा करके उनका एलसीएम निकालते हैं और दोनों तरफ उनको गुणा करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण को x^5 से दोनों तरफ गुणा करने पर, और दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 360 ब्रैकेट x^5 और माइनस, यहां इसके बटे है तो 360 और ये x बराबर x^x^5। ये क्यों बना, क्योंकि समीकरण को x^x^5 से दोनों तरफ, तो इसको हम 360 बटा में x, इसको करते हैं हम x^x^5, तो x से x कट जाएगा, बचेगा 360 और x^5। इसी तरह 360 बटा x^5 को x^x^5 से गुणा करेंगे तो हम x^5 से x^5 कट जाएगा, x बचेगा तो 360 x बचा, और यहाँ 1 से इसको गुणा करेंगे तो x^x^5 हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, 360 को x से गुणा करेंगे तो 360 x और 5 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 1800, 360 को 5 से गुणा करेंगे और यहाँ हो गया 360x, और यहाँ x को x से गुणा करेंगे x का स्क्वायर जमा में 5 को x से गुणा करेंगे 5x, ये जमा के 360 है और ये घटा के 360, तो यहाँ बचा हमारे पास 1800 और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर जमा 5x। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण मीन एक्स स्क्वायर जमा 5x को अगर इधर ले आते हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इस 1800 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर जमा 5x, और हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का 1800 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 1800, तो वो अब हम इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जमा सी से करते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 की जगह 1 है और सी अचर पद की जगह हमारे पास है माइनस 1800, तो 1 और माइनस 1800 की गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 1000 घटा के 800, 1800 माइनस के। अब हमने इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिसकी गुणा संख्याएं होंगी, जिनकी गुणा 1800 माइनस के और जोड़ने और घटाने पर 5x हो, तो अब इस तरह के हमने फैक्टर बनाने हैं, और इस तरह की जब संख्याएं बड़ी होती है उसको फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो ये 1800 है इसके टुकड़े बना लेते हैं, तो सबसे पहले 2 से तो 2 को 9, फिर 2 से 4, 2 5 10, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, और 5 2 का भाग नहीं जाएगा 5, या 3 का चला जाएगा 3 7 21,
एक तीन पंच पंद्रह और तीन से तीन दो छह और तीन पंच पंद्रह और ये हो गया पांच 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 से पच्चीस। तो 1800 के टुकड़े बन गए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच गुणा पांच। अब हमने इसको दो फैक्टर बनाने हैं, तो अब इसके दो फैक्टर बनाओ, पांच तीन पंद्रह, पंद्रह तीन पैंतालीस, दो दूनी चार, चार आठ, आठ पांच चालीस। तो ये हो जाएंगे पैंतालीस गुणा में चालीस, जो इनकी गुणा 1800 होती है। तो अब हम इनको जब जोड़े और घटाएं तो जमा के पांच एक्स है और गुणा करें तो 1800 माइनस के हों, तो इस तरह से इनको 45 और 40 को एडजस्ट करना है। तो हम करते हैं x का स्क्वायर जमा 45x, 45x में से माइनस कर 40x घटा दें तो जमा के पांच एक्स बचेंगे और जमा 45 को माइनस 40 से गुणा करेंगे तो 1800 होंगे। तो ये माइनस 1800 बराबर जीरो। अब हमारे पास इसके टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर जमा 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर जमा 45 में से x कॉमन लेते हैं और माइनस 40 और माइनस 18 में से कॉमन लेते हैं, तो यहां से x कॉमन में निकल गया, तो यहां बचा x जमा 45x, यहां से कॉमन ले लिया क्योंकि यहां x का स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ 45x में से x कॉमन तो 45 बचा। इसी तरह यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस के 40, माइनस के 40 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे हमारे पास x और ये माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारे पास जमा का 45 बराबर जीरो। माइनस 40 को x से गुणा करेंगे माइनस के 40 और माइनस 40 को जमा के 45 से गुणा करेंगे तो माइनस के 1800। अब हमारे पास ये हो गया x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर जीरो। जो हमारे पास द्विघात समीकरण थी x स्क्वायर जमा 5x माइनस 1800, अब इसके टुकड़े बन गए x जमा 45 दो फैक्टर बन गए और x माइनस 40, इन दोनों के बराबर अलग अलग जीरो रखते हैं, तो x जमा 45 बराबर जीरो और x माइनस 40 बराबर जीरो। x बराबर 40 एक वैल्यू, दूसरी x बराबर माइनस 45, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 45 और जमा के 40, दो वैल्यू आ गई पर माइनस 45, परंतु x बराबर परंतु माइनस 45 संभव नहीं है क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मीन्स चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मीन्स अगर माइनस में होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 45 जो हमने गाड़ी की सामान्य चाल माना था, तो गाड़ी की रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो हमने निकालना था x बराबर हमारे पास होगा 45 ही है ये 40 से, क्योंकि माइनस ऋणात्मक ये माइनस 45 संभव नहीं है, तो गाड़ी की चाल हमारे पास ये प्लस की 40, तो 40 होगी। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल x बराबर हमारे पास होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे सवाल के आंसर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझना, अगर कुछ समझ में ना आया तो दोबारा पूछना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।